Okay, so yesterday we did our topic of plasma membrane, cell wall, and cytoplasm. We understood what is plasma membrane, we understood what is cell wall, and we understood what is the role of cytoplasm. Now we will discuss about the various cell organelles. Various cell organelles कौन कौन सी होती हैं? They are the endoplasmic reticulum, they are mitochondria, they are Golgi apparatus, dictyosomes, ribosomes, lysosomes, etc. First of all, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum या तो smooth हो सकता है या rough हो सकता है, ठीक है? It may be smooth or it may be rough. जो वाले endoplasmic reticulum के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होंगे दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे एक्ट एज सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल. ये क्या करते हैं, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रेम प्रोवाइड करते हैं सेल को, जिसकी वजह से सेल अपनी शेप में रहता है. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इट इज डबल वॉल्ड इनर वॉल थ्रोन इन टू फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टे. देखो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या चीज? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल वॉल्ड है एंड इसकी जो इनर वॉल है दैट इज फोल्डेड. ये फोल्डेड है इन दिस वे. एंड इसके जो इनफोल्ड है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे. अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स एज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड एनर्जी रिच कंपाउंड. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. जो भी हमारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, सांस लेते क्यों है? ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए. जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो किसकी वजह से जाती है? रेस्पिरेशन करने की वजह से. और वो रेस्पिरेशन होती कहाँ पे? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी अपरेटस का नाम है वो डिक्टियोजोम्स हो जाता है एनिमल्स प्लांट्स के केस में. सो बेसिकली गॉल्जी अपरेटस एंड डिक्टियोजोम्स आर द सेम थिंग्स बट डिफरेंट नेम्ड ड्यू टू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स होते हैं. इट इज सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड. इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसके अंदर वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स होते हैं. बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करना, सेल वॉल की सिंथेसिस करना, सर्टेन एंजाइम्स की सेक्रीशन करना जो हमारे लिए काम कर सकते हैं, ठीक है? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की सेक्रीशन करना. राइबोसोम्स, राइबोसोम्स सिंगल वॉल्ड होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज कंपोज्ड ऑफ मेनी आरएनएज एंड प्रोटीन्स. दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी आरएनएज एंड प्रोटीन्स. राइबोसोम्स बने ही बहुत सारे आरएनए और प्रोटीन के होते हैं और इनका काम क्या होता है? टू सिंथेसाइज मोर प्रोटीन्स, ठीक है? नाउ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स कंटेन्स 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. लाइजोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स का एक फैमिली आ जाती है और वो हमारी जो भी हम खाना खाते हैं ना वो हमारी डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है? ये बॉडी क्लीन करने के भी काम आते हैं. ओके, तो एक चीज है, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साथ साथ में. इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है? ये नाम जो भी मैं लिख रही हूँ ये याद करने आपने. राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये क्या करते हैं? किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए ये खुद सुसाइड कर लेते हैं. थस दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स. ओके,
नाउ आगे जो आती है हमारी चीज, दैट इज सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स के पास टू सेंट्रियोल्स होते हैं और ये माइक्रोटिब्यूल्स के बने होते हैं. ये सेल डिवीजन में काम करते हैं ओनली इन एनिमल्स. दीज सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स. ठीक है, सेंट्रोसोम करते क्या है? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के बने होते हैं और सेंट्रियोल सेल को डिवाइड करने में काम करते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स. ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है. क्रोमोप्लास्ट है कलर्ड पार्ट ऑफ, कोई भी प्लांट का पार्ट है कलर्ड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ठीक है, येलो है, व्हाइट है, पिंक है, रेड है. ये क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. बट ग्रीन लीव्स है जो, दैट आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड फर्दर फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट है जो वो फूड प्रोड्यूस कर सकता है. और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, वो स्टोरिंग बॉडीज होती हैं जो प्लांट्स में काम करती है, स्टोरेज ऑर्गन. होता क्या है प्लास्टिड? डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके मैट्रिक्स के अंदर, उसके फ्लूइड के अंदर प्रोटीन, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स मतलब प्रोटीन्स का बना होता है. कंटेनिंग डीएनए एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल. थैलाकॉइड्स होते हैं, ग्राना होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं. एंड ये डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं. ये किस काम आते हैं? फोटोसिंथेसिस करने के, कलर इम्पार्ट करने के एंड फूड स्टोर करने के. अब है हमारा मेन हेड, हेड ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल. इसको हम हेड या ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सब कुछ रेगुलेट करता है. सब कुछ में क्या रेगुलेट करता है? वो सेल साइकिल. सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन, कब सेल ने बड़े होना है, कब सेल ने डिवाइड करना है, कब सेल ने मतलब दोबारा से यू नो रिप्रोड्यूस करना है, या कुछ भी है, वो सारा सब कुछ काम क्या करता है? न्यूक्लियस ही करता है ये सारे काम. इट इज अ स्फेरिकल डेंस. स्फेरिकल मतलब सर्कुलर नहीं है, 3D शेप में स्फीयर टाइप है, स्फीयर शेप्ड है, डेंस है, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स. न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एंड उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. पोर्स क्यों होते हैं? ताकि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में इंटरचेंज हो सके. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज राउंड. एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होता है, बट इन मेनी केसेस इट कैन बी मोर देन वन. ठीक है, होता क्या है? ये कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स. पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय परफॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए. ये प्रोटीन बनाने में काम करता है, फॉर्म करता है आरएनए को और स्टोर करता है आरएनए को. ओके, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमैटिन फाइबर्स आर डीएनए, जो हमारा मेन पार्ट होता है ना जेनेटिक मटीरियल डीएनए, उसके बने होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, डीएनए के बने होते हैं. क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन और जीन्स. अच्छा, अब देखो, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स, ये एक में ही प्रेजेंट होते हैं. पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होता है. ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है सेल साइकिल को रेगुलेट करने का. नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डीएनए. ठीक है, सॉरी, वैक्यूल्स आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब क्या है? कि इसमें कोई भी लिविंग चीज नहीं है, ये डिवाइड नहीं करता, ये मूव नहीं करता, ये सेंस नहीं करता बेसिकली किसी भी चीज को. ठीक है, तो नॉन लिविंग है. स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस. वैक्यूल्स में यू नो फूड वैक्यूल होता है, वाटर ऑस्मोसिस को रेगुलेट करते हैं वैक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. एक फूड वैक्यूल होता है, एक वेस्ट वैक्यूल होता है, यू नो बहुत सारे काइंड्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं. ये स्टोरेज करने के काम आते हैं और बायोएनसी भी प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ
प्लांट सेल, प्लांट सेल में बहुत बड़ा, देखो 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एक वैक्यूल ने ली होती है, इतना बड़ा वैक्यूल होता है उसमें। क्यों होता है प्लांट्स में इतना बड़ा वैक्यूल? ताकि वो फ्लोट कर सके, ठीक है। इसीलिए लीव्स है जो वो पानी के ऊपर बह जाती है। ओके, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है? ग्रेन्यूल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। इसका काम क्या होता है? स्टार्च प्लांट्स में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने खाना खाया, जितना खाने, जितना एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमने यूज कर ली, बाकी का खाना एज फूड, एज यू नो स्टोरेज हमारे बॉडी में स्टोर हो गया। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ। इसने किसने स्टोर किया इसको? ग्रैन्यूल्स ने स्टोर किया।